होटल में गुम हो चुके हैं, हमें रिसेप्शन एरिया नहीं मिल रहा और हम जा रहे हैं अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद यहाँ से हम करेंगे चेकआउट, फिर हम जाएंगे दूसरे होटल चेक इन करने और साथ में आज हमारा रहेगा साइट सीइंग बैंकॉक की सारी। भाई ऐसा भी क्या हो गया क्या आप हमें भूल के यहीं आ गए? क्या सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, कल रात को जो इनका गाला नाइट थी बहुत बढ़िया थी, फूड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सारी डिशेस सारा खाना बहुत अच्छा था। इन टर्म्स ऑफ इनकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं खाना तो इन्हें अच्छा ही लगेगा। ये भाई सुबह सबसे पहले निकल के ब्रेकफास्ट करके रिलैक्स मोड पे हमने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और इसका रीज़न ये था कि लास्ट ट्रिप पे इनको काफ़ी अच्छी खासी बातें सुनाई गई हैं और ये नहीं चाहते थे कि इस बार ये न्यू ईयर अपना खराब करें। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम आज गैंगटॉक साइट सीइंग के लिए निकल चुके हैं सिटी टूर के लिए, हम अपने भाई के साथ। कल जो हमारे पास हमें लेने आए थे वही आज भी हमारे ड्राइवर हैं, तो उनके साथ हम निकल चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल, वकथंग वाटरफॉल जा रहे हैं, पहला व्यू पॉइंट है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे वाटरफॉल पे। गाइज देखो जो जितने वाटरफॉल हमने पहले देखे हैं वैसा तो कुछ नहीं है, पानी बहुत कम है। तो गाइस अभी जो आपने देखा ये देखा भागथंग वाटरफॉल, हमारी पहली साइट सीइंग थी। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि अभी यहाँ पानी कम है तो ये ऐसा है, बट जब पानी बरसातों के समय में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। भागथंग वाटरफॉल से आप लगभग शहर का एक व्यू भी ले सकते हैं और व्यू लेने के साथ साथ भागथंग वाटरफॉल में आपको स्ट्रीट फूड भी मिलेगा जो कि आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो यहाँ से गाइस हम निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। कभी इससे ज़्यादा पानी देखा आपने यहाँ? नहीं होता है, अभी बारिश का सीजन नहीं है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री, यहाँ से वाटरफॉल देख लिया है, अब हम मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने किलोमीटर है भाई यहाँ से? 1.5 किलोमीटर होगा। गाइज हम पहुँच गए हैं गोजंग मोनेस्ट्री। गाइस गोंजन मोनेस्ट्री में एक मेंटेनेंस फीस ली जाती है एंट्री के वक्त, जो कि एडल्ट्स के लिए 10 रुपये है और बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं उनके लिए मुफ्त है। गाइस हमारे ऋषि भाई को लगा कि इस बिल्डिंग में दरवाजे नहीं है, खिड़कियों से अंदर जाते हैं। अरे मतलब पर्दे ही रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं। अच्छा, चलो गाइस फिर थोड़ी क्लैरिटी है भाई। काफी लोग आ रखे हैं और मोनेस्ट्री में एज यूजुअल आपको बहुत पीसफुल और हाइट पे होती है तो काफी अच्छा व्यू भी मिलता है। मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ, मेरे पीछे ये मोनेस्ट्री है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, पता नहीं फोटो में लग रहे कि नहीं, बट ये देखिए आपको गाइस यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। लगभग पूरा गैंगटॉक दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस आप देख पा रहे हैं गोंजंग मोनेस्ट्री से ये शानदार नज़ारा जो यहाँ पे मोनेस्ट्री के सामने दिखता है। तो इस मोनेस्ट्री से गाइस लगभग आपको सारा गैंगटॉक दिखता है जो कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। जब भी आप पहाड़ों में आते हैं और मोनेस्ट्री विजिट करते हैं और वो भी सुबह के समय, और ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिले, ऐसा व्यू मिले आपको देखने को, तो दिल को काफ़ी सुकून सा मिलता है। तो गाइस गोंजन मोनेस्ट्री को अपनी साइट सीइंग में जोड़ लें तो हमारी तरफ से बहुत ही रिकमेंडेड प्लेस है, बहुत खूबसूरत, ज़रूर आए यहाँ पे जब भी आप गैंगटॉक। गाइस अभी मोनेस्ट्री के बाद हम जा रहे हैं ताशी व्यू पॉइंट। तो गाइस ताशी व्यू पॉइंट पे हम पहुँचने लगे हैं, यहाँ से कुछ स्टेयर्स चढ़ेंगे तो फिर जाएंगे ताशी व्यू पॉइंट पे। गाइस मौसम जनवरी है और नॉर्मल है, कोई ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम वैष्णो माता में ऊपर जाते हैं।
तुझे आ रही है ना? वही छोटी छोटी दुकानें, चेयर्स, वैसी सीढ़ियाँ, वैसी फीलिंग आ रही है, बट होपफुली उतनी सीढ़ियाँ ना हो। लास्ट टू लास्ट ईयर गाइस हम गए थे वैष्णो देवी, और मैंने और राहुल जी ने वापसी टाइम पे एक भी शेयर नहीं छोड़ी है। तो गाइस ये रहा काशी व्यू पॉइंट, गाइस लोगों की नाराज़गी दिखती हुई, यहाँ कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा समय हम यहीं रुक रहे हैं। इट्स अबाउट द पीस ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ से बादल हैं शायद इसलिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं क्लियर व्यू नहीं है। होगी होगी जो सामने आप वो ये भाई यहाँ बैठे हैं, एक बार देख कैसा दिखता है, कैसा लगेगा दोस्त? ऑनलाइन ले लो कैश, कमाने मुझे भी पैसा कमाने कमाने, नेचर है वो, हमसे भी ऊपर है वो। आप भगवान को मानते हो? कृष्णा भगवान को मानते और गणेश जी को मानते हैं ब्रो, उसी के तरह हम लोग क्लियर है। हाँ क्लियर है, एकदम मोनेस्ट्री हो गए ब्रो बस। हाँ जी बताओ। नहीं अच्छा है जगह आपका, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए अपना ही देश। आया कि आया कि नहीं, ये बात सही, एक्सप्लोर करना। हम आपको रखने रहने के लिए भी बोलेंगे, कुछ सीखने का मौका, यू कैन लर्न समथिंग एवरीवेयर। ये बात सही है, तो इसीलिए हम भाई को अनुरोध करेंगे जरूर आए चंडीगढ़। जाएंगे लेकिन हमको गर्मी नहीं जमता, सर्दियों में आ जाना। वी आर शेरपा बिकॉज वी कांट सर्वाइव बिकॉज वी आर बोर्न इन यू नो माइनस टेम्परेचर, हम लोग माउंट एवरेस्ट। ऐसा ही है, ऐसा ही है, आई एग्री, बट ऐसा है कि यहाँ का हवा पानी और वहाँ का हवा पानी मिल नहीं मिलता। इट्स 45, 46, 27, 26 डिग्री दैट प्लेस, एंड दिस इज द 25, 26, उससे ऊपर नहीं जाता, दैट्स अ फैक्ट। गाइस चलो भाई एक्सट्रीम, बट आप सर्दियों में आ सकते हैं, आपको 25 से ऊपर नहीं जाएगा। या डेफिनेटली आई विल कम इफ वेदर इज गुड, बट यू नो मन, यू नो इट्स ऑल अबाउट योर मन, बट आई होप योर डे इज वेल। या तो गाइस हम ताशी व्यू पॉइंट आए थे, तो लक नहीं है हमारा, बादल हैं, हमें नहीं देख कंचनजंगा पिक देखने नहीं देख पाए। तो गाइस ये रहा ताशी व्यू पॉइंट से पहाड़ों का नजारा। यहाँ पहुँचने के बाद बादल होने के कारण हमें कंचनजंगा पीक का व्यू तो नहीं मिल पाया, बट ऐसा व्यू रहेगा ताशी व्यू पॉइंट से जो कि आप देख पा रहे हैं। रैव जी कैसा लग रहा है ताशी व्यू पॉइंट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बट ज़्यादा अच्छा होता अगर थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती और K2 पीक हम देख पाते, जिसके लिए ये जगह ताशी व्यू पॉइंट को ताशी व्यू पॉइंट को माना जाता है। बट एज यू कैन सी पीछे कोई वेदर इतना क्लियर नहीं है, हमने टेलीस्कोप से भी देखने का ट्राई किया बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसमें भी। तो ठीक है गाइज, फिर अगले टेम्पल जाएंगे यहाँ से शायद गणेश जी के, तो वहाँ चलते हैं, वो वाला गैंगटॉक का अगला व्यू एक्सप्लोर करते हैं। गाइस ताशी व्यू पॉइंट के बाद हम पहुँच गए हैं गणेश टॉक, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, अभी हम जाएंगे दर्शन करते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं गणेश टॉक, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो गाइस दर्शन करने के बाद अब चलते हैं, वापसी करते हैं अब हम कैब की तरफ, फिर वहां से आगे चलेंगे। ओम नमः शिवाय, जय गणेश। तो गाइस हम गणेश टॉक के बाद अब आ गए हैं हनुमान टॉक, यहां पे शायद टॉक मंदिर को कहते हैं। तो यहां से अब कुछ सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जाएंगे, तो मंदिर वहां स्थित है। यहां पे एक जगह है ब्लैक कैट म्यूजियम, मैं पहले सोचू मैं काली बिल्ली का म्यूजियम क्यों है, बाद में रिलाइज किया कि ब्लैक कैट कमांडो भी हो उनके भी। तो गाइस ये बीच आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात थी, बट बात भाई के दिमाग में आई तो आप साथ शेयर कर दी। ये हमारे बीच बीच में क्रिस्पी कंटेंट है।
रवि जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर, यहाँ अंदर फोटो अलाउड नहीं है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन कीजिए और फिर यहाँ थोड़ी देर रुककर नज़ारा लीजिए और फिर आगे बढ़िए। हनुमान टॉक में दो मंदिर हैं, एक राम भगवान जी माता दुर्गा और साथ में साईं बाबा जी गणेश भगवान जी का मंदिर है, और तो दूसरा हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, और ये मेंटेन किया गया है हमारे ब्लैक कैट डिवीज़न की तरफ से, आर्मी वालों की तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अगर आप यहाँ आएंगे आप देखेंगे मंदिर जाने के बाद, यहाँ का जो साइट सीन है बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली है, हर जगह बहुत पीसफुल है। आप ज़रूर यहाँ आएँ जब सिक्किम आएँ, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है ये मंदिर। तो गाइस हनुमान टॉप के नीचे है आर्मी के कैंटीन। गाइस यहाँ मिलते हैं वेज मोमोज, मस्ट ईट आइटम है, बहुत टेस्टी। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना क्राउड है। गाइस हमने 3-4 प्लेटें मोमोज की खा ली, हमने 2-3 और ऑर्डर कर लिए, वेरी गुड। चाय पिए यहाँ आगे और मौसम भी ठंडा हो गया और मोमोज खाए बहुत सारे। एक जनवरी होने के कारण काफ़ी साइट सींग्स गैंगटॉक में बंद थी, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट गार्डन, इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। तो ये कुछ साइट सींग्स थे जो कि बंद होने के कारण हम कवर नहीं कर पाए। तो जब भी आप सिक्किम गैंगटॉक आएँ तो आप ये 3 साइट सींग्स आप अपनी कवर कर सकते हैं जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं। हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, बट हम रेकमेंड करेंगे कि यहाँ आप जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी साइट सींग्स हैं। तो गाइस म्यूज़ियम तो बंद है, हम ब्रोदुल मोनेस्ट्री में जा रहे हैं। ये रहा कुछ जाने का रास्ता। ब्रोदुल चोटन स्तूपा गैंगटॉक में 1945 में ट्रुलशिक रिम्पोचे जो कि हेड थे निग्मा ऑर्डर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म के, उन्होंने बनवाया था। और इस स्तूपा के अराउंड आप 108 प्रेइंग व्हील्स देख सकते हैं। सिक्किम में स्थित लगभग हमारा ये आखिरी साइड पॉइंट, 2 साइड पॉइंट्स बंद थे आज। जवाहर जी आपको पता है इस स्तूपा की अहमियत क्या है? इसके बारे में पढ़ेंगे, रुक जाए एक मिनट, पढ़िए बताइए, पढ़ के बताएंगे इसके बारे में। अभी तो हमने सिर्फ ये आपको पता है स्तूपा की अहमियत क्या होती है, ये आप स्तूपा यार वो सबसे बड़े हैं हमसे इसका मतलब सुनने की पता होता है। स्तूपा मतलब जैसे कोई वो करता ना कि आपने मैंने पीस का कुछ सिंबल है कट करना है, एक पीस एक जगह बना दी कि मतलब ये दिस इज अ प्लेस फॉर पीस। याद देखते अब हम पहुंच गए हैं फ्लावर शो देखने, देखते हैं अंदर ऐसा क्या है यहाँ पे। फ्लावर शो में यहाँ पे भाई आप जाओ, ऋषभ भाई ऐसा बोल रहे हैं एंट्री पे फ्लावर गिर जाएंगे। फ्लावर शो की टिकट है 20 रुपये। फिर अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम पहुँचे हैं फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम के फ्लावर शो। आपने कभी पहले देखा है ऐसा फ्लावर शो? फ्लावर शो हाँ वहाँ देखा था किन्नौर में। इसका नाम है कैमोमिक्स रेड। We'll be right back.
जो आपने अभी देखा ये है यहाँ का फ्लावर शो। तो गाइस हमारा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा फ्लावर शो आपने देखना, आप हमारे पंजाब में किसी भी नर्सरी में जाएं और वहाँ पे देख ले। और अगर आपको इससे अच्छे फ्लावर देखने, हमारे रोज गार्डन चंडीगढ़ चलते हैं फ्री। इससे भी ज्यादा अच्छे फूल देखने मेरे खेत में आए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने उगा रखे गाइस। तो एक वाटरफॉल और एक ये फ्लावर शो, दो चीजें ऐसी थी कि वो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस ये ऐसा है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए आप जो मर्जी करते रहे, रीलें बना लें, डेकोरेशन कर लें। कुलदीप जी वैसे भी इवेंट कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल मेरा इवेंट है और मैं एक नर्सरी में फूल लेने आया हूँ। भाई किसी को अच्छे फूल चाहिए हम चंडीगढ़ में तो आप 29 सेक्टर में जाएं, मेरा नाम नहीं, 10% आपको डिस्काउंट दिलवाऊंगा। तो गाइस चलो यहाँ से भी ऐसे खड़े होकर थोड़ा रुक सकते हैं, फोटो फोटो खिंचा सकते हैं। विशिंग बेल भी है यहाँ पे, आप जरूर आए। बाहर 20 रुपए दें या 21 का शगन पूरा करके जाए। देखिए गाइस विशिंग बेल 20 रुपए बाहर, 1 रुपए 21 रुपए का शगन। रिजॉर्ट में तो ये रहा हमारा रूम। तो गाइस ये रहा हमारा किसा रिजॉर्ट का आज का स्टे। तो डिवाइन हॉलीडेज ने हमारा पैकेज किया है, आप भी उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी आइटनरी प्रिपेयर करने के लिए। तो गाइस जैसे आज की साइट सीइंग में वाटरफॉल हो गया, फ्लावर शो हो गया, और शायद म्यूजियम अच्छा होता वो बंद था और इस वजह से हम नहीं देख पाए क्योंकि आज 1 तारीख है, नया साल का नया दिन था, तो ये कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए कवर। तो इतना बड़ा साइट सीइंग का इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा रहा नहीं, पर मगर कल जहां हम जा रहे हैं वो कुछ थोड़ा हाइट पे है, थोड़ा एल्टीट्यूड भी हाई होगा और शायद वहां जाके कुछ मज़ा आए। तो आज वाटरफॉल को तो वाटरफॉल और फ्लावर शो तो आप स्किप कर सकते हैं गाइस जब भी आए, बाकी सब बढ़िया था। गाइस ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर 6-7 डिग्री है। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के, डिनर भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है, खा के बताएंगे अभी आपको कैसा है। कुलदीप खा के बताएं, एक बाइट लेके दिखाएं पनीर की कैसी है। हाउ इज द फूड गाइस? लगभग सब कुछ है, तो खाना खा के फिर आपसे करते हैं बात। बहुत अच्छा इंतजाम किया है इन्होंने डिनर का। ये कुलदीप वैभव को अभी तक खाना नहीं मिला है। तो गाइस हम थे किसा रिजॉर्ट में, डिनर कर लिया गया है, डिनर काफ़ी बढ़िया था। शुभ रात्रि आप सबको। शेर अब गुड नाइट बोलेगा क्योंकि शेर इवेंट मैनेजर है और आज के इवेंट खत्म हो गए हैं। ठीक है गाइस आज के दिन को करते हैं बाय, आज का दिन खत्म हो गया है और डे टू हमारा समाप्त हो गया है। कल हम जाएंगे नरूला पास और हम करेंगे सिक्किम को एक्सप्लोर। तो गाइस कल सुबह मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।